मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को एनसी क्लैट में मैथ पढ़ाऊंगी और मैथ में आज आप लोग को काउंट एंड राइट इसको पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोग को पिक्चर दिया गया है और पिक्चर को काउंट करना है यानी गिनना है और गिनकर यहाँ पर नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पिक्चर को देखेंगे कि कौन सा पिक्चर है। तो यहाँ पर क्या है, कैट। कैट कितने हैं, वन। तो हम यहाँ पर वन लिखेंगे और वन कैसे लिखा जाता है ये आप लोग को मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ कैट कितनी है, वन। तो यहाँ हम वन लिखें। नेक्स्ट दूसरे पिक्चर में हम चलेंगे तो यहाँ कितने पिक्चर है, दो। तो ये क्या चीज का है, पेड़। दो पेड़ है यानी ट्री। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, वन टू। पेड़ कितने हैं, दो। तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे, ठीक। और नेक्स्ट अगले पिक्चर में हम चलेंगे, इसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री। ये कितने हैं, थ्री। तो यहाँ पर हम थ्री लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अगले पिक्चर में इसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। ये कितना है, फोर। तो हम यहाँ पर फोर लिखेंगे, ओके। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कितना है पिक्चर, कितने बॉल्स हैं। और यहाँ पर है वन टू थ्री फोर फाइव। कितने बॉल्स हुए, फाइव। तो हम यहाँ पर फाइव लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आप लोग को, आप लोग ध्यान दोगे। पहले हम यहाँ पर इस पिक्चर में देखेंगे ये क्या है, कैट। कितने कैट है, वन। तो यहाँ पर हम वन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट दूसरे पिक्चर में चलेंगे तो यहाँ पर कितने ट्री है, दो। तो काउंट करेंगे, वन टू। कितने हुए, टू। तो यहाँ पर हम टू लिखेंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में हम चलेंगे तो ये स्टार कितने हैं, काउंट करेंगे, वन टू थ्री। तो यहाँ पर हम थ्री लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे इस पिक्चर में, इसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। तो यहाँ हम फोर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अगले पिक्चर में चलेंगे, यहाँ बॉल्स कितने हैं तो सारे को हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ हम फाइव लिखेंगे, ओके। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कॉपी पर अच्छे से बनाओगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।